मछलीपट्टनम में हिंदू कॉलेज के प्राचार्य के शिवराम कृष्ण राव मेरे प्रति दयालु थे। नियुक्ति के समय ही मैं एक नास्तिक था, अतः गलत फहमियों की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। हिंदू कॉलेज में काम काफ़ी हल्का था। मैं अपना बाकी समय नास्तिकता के प्रचार प्रसारों में लगाता था। व्यावहारिक तौर पर मैं हर सप्ताहांत में सार्वजनिक सभाएं आयोजित करता और वहां नास्तिकता पर भाषण देता। दो वर्षों में मैंने मछलीपट्टनम कस्बे के चारों और के सभी गांवों में और अगल बगल के सभी जिलों में खूब मीटिंगों की। सामान्यतः मैं 2 घंटे स्वयं बोलता और फिर श्रोताओं से शंका व प्रश्न आमंत्रित करता। इस काम में भी 2 घंटे अतिरिक्त लग जाते। नास्तिकता के उत्साह के कारण मैं 4 घंटे का यह तनाव आसानी से बर्दाश्त कर लेता। मैं लोगों को बताता कि ईश्वर, आत्मा व परलोक जिनमें वे विश्वास करते हैं सब मिथ्या है। मैं ईश्वर, आत्मा व परलोक पर सामान्य बातें ही करता। मैं हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्मों के अलग अलग विचारों पर नहीं जाता। अनंतपुरम में सर्वाधिक 136 प्रश्न पूछे गए थे। उत्तर देने में मेरे अपने नास्तिक विचारों को स्पष्टता मिलती चलती थी तथा आम आदमियों की समझ में ईश्वर व धर्म आदि का निहित स्वरूप भी मेरा समझ में आता जाता था। मेरी मीटिंग में सैकड़ों लोग आते थे। मेरी बैठकों की एक विशेषता उनकी समय पर शुरुआती भी होती थी। भारतीय ग्रामीण जो मशीनों के अभ्यस्त नहीं हैं, समय को सहजता से लेते हैं। मैं समय से 5 मिनट पहले पहुंचा। सभायोजक भी वहाँ नहीं था। हाल में करीब 10 व्यक्ति थे। मैंने घड़ी देखी, कुर्सी खींची, अपना परिचय दिया और मीटिंग प्रारंभ कर दी। लोगों ने शिकायत की कि मुझे लोगों को आने से पूर्व मीटिंग नहीं प्रारंभ करनी चाहिए। तर्क यह भी दिया गया कि एक या दो में फर्क क्या। मैंने स्पष्ट किया कि आस्तिक के लिए एक माने दो भी हो सकता है, पर नास्तिक को एक माने एक ही होता है। इसके बाद मेरी हर मीटिंग ठीक समय पर ही होती थी। उन दिनों की शिक्षण संस्थाएं एकदम पारंपरिक और मात्र कर्मचारी तैयार करने के लिए होती थी। गांधी जी तो उन्हें क्लर्क बनाने के कारखाने कहा करते थे। मेरा अनिश्चयवाद मन हर व्यवस्था को बदलकर उसे ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा सामाजिक व ज्यादा बराबरी वाला बनाना चाहता था। मैं एक ऐसे स्कूल की कल्पना कर रहा था। भद्रजन ने मुझसे पुनर्विचार करने को कहा। 60,000 रुपये की रकम छोटी रकम नहीं थी, वह इकट्ठा की जाने वाली कुल रकम के आधे से ज़्यादा थी। मेरे लिए मेरी नास्तिकता मेरे सपनों को कॉलेज की स्थापना से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। वह दान तभी देने को तैयार जा जब मैं कमिटी में बन रहूं। यह एक असंभव स्थिति थी। नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित था। वे प्रायः हड़तालों का सहारा लेते थे। हिंदू कॉलेज में भी प्रायः हड़तालें होती रहती थी। कॉलेज प्रबंध तंत्र सोचता था कि मेरे नास्तिक विचारों का प्रचार भी अप्रत्यक्ष रूप से इन हड़तालों के लिए जिम्मेदार था। उसने मेरी सेवाएं समाप्त करने का निश्चय कर लिया। हिंदू कॉलेज में 5 वर्षों तक रहने के बाद सन 1939 में मेरी दूसरी बर्खास्तगी का खतरा मेरे सामने था। छात्रों ने मेरा पक्ष लिया। वे कॉलेज प्रबंधन के हर सदस्य के पास गए और मेरी बर्खास्तगी वापस करा ली। मेरे समर्थक छात्र जो मेहनत करके मुझे बहाल कराकर लाए थे नहीं चाहते थे कि मैं तुरंत त्यागपत्र दे दूं। पूरी स्थिति मेरे लिए एकदम शर्मनाक थी। मैंने शिक्षण सत्र पर 1 साल रहने का वायदा किया और सत्रांत होते ही सन 1940 में इस्तीफा दे दिया। मैंने उन्हें जब प्रतिबंध हटाने का सुझाव दिया तो यह उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। मेरे और उनके मध्य मिलन बिंदु समाप्त हो चुका था। मैं नौकरी से कहीं ज़्यादा अपनी नास्तिकता को महत्व देता था। मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। For more videos, please subscribe to this channel, Positive Atheism, and activate the bell icon.